तो वंस अगेन हम एक और मीम टोकन के बारे में बात करने वाले हैं, फ्लुकी इनुकॉइन के बारे में बात करने वाले हैं। और यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें चल रही है मार्केट में। अगर हम मीम कॉइन्स की बात करें तो पर्टिकुलरली कुछ ही कॉइन्स हमें हाईलाइट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनफैक्ट शिबाइनू को छोड़कर हमें बोंक, पेपे और फ्लुकी इनू जैसे टोकन्स काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होते दिखाई दे रहे हैं दिनों दिन। और फ्लुकी की जहाँ तक बात की जाए तो ये बोंक और पेपे से इसलिए अलग है क्योंकि पिछले बुलरन में बोंक और पेपे जैसे टोकन्स नहीं थे, लेकिन फ्लुकी इनू था और फ्लुकी इनू ने अपने ऑल टाइम हाई को भी टच किया था। फिलहाल की सिचुएशन ऐसी है जहाँ पर इससे रिलेटेड एक मेजर अनाउंसमेंट हमें आती दिखाई दे रही है। उसी के साथ में काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स के कहने पर मैंने ये वीडियो बनाया है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही में क्रिप्टो से रिलेटेड इसी तरह के वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही में आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू द क्रिप्टो बाइट। और आज हम लोग बात करने वाले हैं फ्लुकी इनू कॉइन के बारे में। दोस्तों, फ्लुकी इनू कॉइन यहाँ पर एक ऐसा कॉइन रहा है हमेशा से, जहाँ पर पिछले साल जैसे इसने बेबी डॉज कॉइन को पीछे छोड़ा, कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशन उसी समय इस कॉइन से काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। अब सवाल ये है कि क्या ये कॉइन अपने प्राइस में अप ट्रेंड पर जाएगा? क्या बुलरन में हम इससे एक बड़ी उम्मीद, एक बड़े प्राइस प्रिडिक्शन का एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिलहाल का जो प्राइस है वो 0.01 रुपीस के आसपास है। ऑलरेडी ये कॉइन अपने प्राइस में ऑल टाइम हाई को क्रिएट कर चुका है जून मंथ के अंदर। पिछले 7 महीनों में आपने देखा होगा कि हर एक ऑलमोस्ट मैक्सिमम टोकन्स ने मार्च मंथ के अंदर अपने ऑल टाइम हाई को टच किया, लेकिन इस एक टोकन में आप देख पा रहे होंगे कि इसने जून मंथ के अंदर अपने ऑल टाइम हाई को टच किया, जहां पर मार्केट में मीम कॉइन्स काफी ज्यादा पम्प दिखाते नजर आ रहे थे। पेपे कॉइन, विफ कॉइन और बोंक कॉइन भी इस टाइम पर काफी ज्यादा पम्प कर गए थे, लेकिन फ्लुकी इनू के प्राइस में हमें सबसे ज्यादा ग्रोथ देखने को मिली थी। और आप देख सकते हैं ईयरली ग्रोथ के अंदर ये कॉइन लगभग 422% तक पम्प कर चुका है। तो काफी ज्यादा प्रोमिनेंटली यहाँ पर फ्लुकी इनू कॉइन पंप करता दिखाई दिया है इन 6 से 7 महीनों में। और इसी वजह से काफी सारे आप में से इन्वेस्टर्स होंगे जिन्होंने रिसेंटली एंट्रीज ली है, और कई सारे लोगों ने लगभग 2021 के बुलरन से इस कॉइन में एंट्री लेकर रखी है। हालांकि मेरे हिसाब से वो सारे ही इन्वेस्टर्स अब तक एग्जिट ले चुके होंगे क्योंकि जून मंथ में फ्लुकी इनू कॉइन काफी ज्यादा पंप कर चुका है। तो आप देख पा रहे होंगे कि जून मंथ से हमें एक अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिली, जिसके कारण ये कॉइन नीचे डंप कर गया। और फिलहाल के डेट में अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 18% का डाउन फॉल हमें देखने को मिल रहा है। ये एक्सपेक्टेशन से काफी ज्यादा कम है क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कहीं ना कहीं 60-70% तक ये डंप कर जाएगा, लेकिन उतना ज्यादा डंप हमें देखने को नहीं मिला है। ये लगभग 18% तक ही डंप हुआ है और साथ ही में अच्छी खासी रिकवरी दिखाता भी नजर आ रहा है। तो फ्लुकी इनू आज की डेट में मेरी मीम कॉइन्स की लिस्ट में सबसे टॉप पर इसलिए आता है क्योंकि इसका यूज केस कंपेयर टू पेपे, विफ और बोंक से काफी ज्यादा अच्छा है। बोंक और विफ को सोलाना का सपोर्ट मिल जाता है, पेपे ऑलरेडी एक अच्छा खासा पॉपुलर मीम टोकन है, लेकिन फ्लुकी इनू सिर्फ अपने यूज केस पर, अपने इकोसिस्टम पर ध्यान दे रहा है, इसलिए यहाँ पर इसके प्राइजेस में लगातार हमें ग्रोथ देखने को मिलती है। और रिसेंट बर्निंग अनाउंसमेंट के कारण भी कहीं ना कहीं ये कॉइन जून मंथ के अंदर अच्छा खासा पंप कर गया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर रिसेंट एक और अनाउंसमेंट हमें देखने को मिली। वलहाला, जो लोग नहीं जानते, इनका खुद का एक गेम है और यहाँ पर फ्लुकी अनाउंसेस मेजर एड कैंपेन फॉर वलहाला इन द इंग्लिश प्रीमियर लीग फॉर 2024-2025 सीजन। और ये एक चीज रियल वर्ल्ड में हमें देखने को मिलेगी, जहां पर रियल वर्ल्ड एड कैंपेन हमें देखने को मिलेगा वलहाला का। द इंग्लिश प्रीमियर लीग, मैं बता दूं, एक बहुत ही पॉपुलर स्पोर्टिंग लीग है जो कि ब्रॉडकास्ट होता है 712 मिलियन हाउसहोल्ड्स के अंदर इन अमंग 190 कंट्रीज। तो यहाँ पर एक बड़ा एक्सपोजर बहुत दिनों के बाद वलहाला को मिलने वाला है, फ्लुकी इनू को मिलने वाला है। तो इस कैंपेन का कहीं ना कहीं एक बड़ा इफेक्ट आपको फ्लुकी इनू के प्राइस पर देखने को मिलेगा। प्राइस प्रेडिक्शंस तो आ ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं डॉज कॉइन और फ्लुकी इनू कॉइन इलॉन मस्क और ट्रंप के इंटरव्यू के बाद सबसे ज्यादा गिनेस की लिस्ट में आते दिखाई दे रहे हैं। एक रिसेंट इंटरव्यू हुआ है, जो लोग नहीं जानते उनको मैं बता दूं कि इलॉन मस्क ने ट्रंप का यहाँ पर इंटरव्यू लिया। अब हम लोग सभी लोग जानते हैं कि डॉज कॉइन और इलॉन मस्क का क्या रिलेशन है, लेकिन फ्लुकी इनू कॉइन भी कहीं ना कहीं इलॉन मस्क के ट्वीट से ही जन्मा है, क्योंकि इलॉन मस्क ने एक ट्वीट किया था फ्लुकी से रिलेटेड और उस फ्लुकी वर्ड पर ही ये फ्लुकी इनू कॉइन लॉन्च किया गया, और इसके बाद से ही हमें फ्लुकी की जर्नी देखने को मिली। तो 2020 के आसपास ही हमें फ्लुकी का लॉन्च देखने को मिला था और उसके बाद से उसने अपने ऑल टाइम हाई को सबसे पहले टच किया बुलरन के अंदर, उसके बाद डंप हुआ, मार्केट में बेरिश मोड को फेस किया। 2 साल बाद अब सिचुएशन ऐसी है जहां पर इसने फिर से अपने पुराने ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर दिया जून मंथ के अंदर और अब यहां पर फिर से स्टेबल होता दिखाई दे रहा है। तो एक बड़े डंप का इसलिए एक्सपेक्टेशन था इस कॉइन से कि ये कॉइन एकदम से हमें स्लाइटली डंप होता हुआ दिखाई देगा लगभग 60-70% तक, लेकिन उस सिचुएशन को भी इसने बहुत ही बढ़िया
तरीके से ओवरकम किया है। रिसेंटली एक दो हफ्ते पहले ही यहाँ पर इसने अपनी नई डेवलपमेंट और स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग इनिशिएटिव्स को यहाँ पर अनवील किया, जहाँ पर इसने काफी सारी चीजें मेंशन की है। सोशल मीडिया और कम्युनिटी एंगेजमेंट पर ये सबसे ज्यादा ध्यान देता नजर आ रहा है, क्योंकि शिबाइनो को 2020 के अंदर जिस चीज ने सबसे ज्यादा हेल्प किया था वो थी कम्युनिटी और सोशल मीडिया एंगेजमेंट। और इसी एक चीज पर फ्लोकिनो भी ध्यान देता नजर आ रहा है। सप्लाई की जहां तक मैं बात करूं तो शिबाइनो जितनी सप्लाई इसकी नहीं है। आप देख सकते हैं कॉइन मार्केट कैप पर आपको डेटा मिल जाएगा, लेकिन यहां पर मैं बता दूं कि इसकी जो टोटल सप्लाई है वो केवल 9.6 ट्रिलियन के आसपास है। एक मीम कॉइन के हैसियत से यहां पर इसकी सप्लाई काफी ज्यादा कम है, और इस वजह से सप्लाई को बर्न करने पर ये इतना ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। हालांकि फिर भी यहां पर अच्छी खासी बर्निंग हो जाती है मंथली और ईयरली वाइज अगर हम देखें तो। उसी के साथ में रियल वर्ल्ड के अंदर स्पोर्ट्स पार्टनरशिप्स पर ये सबसे ज्यादा ध्यान देता है। यूएफसी के अंदर हमें रियल वर्ल्ड यहां पर कैंपेन एड कैंपेन देखने को मिला था ऑब्वियसली फ्लोकिनो का, और आज की में आप देख सकते हैं टोकन फाई का भी कैंपेन चल रहा है, और साथ ही में अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि वलाला का भी कैंपेन शुरू हो चुका है। मार्केटिंग और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की कोशिश कर रहा है फ्लोकिनो आज की डेट में। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक एग्रेसिव अडॉप्शन हमें देखने को मिला, मास अडॉप्शन में बूस्ट देखने को मिल रहा है इन्हीं सारी पार्टनरशिप्स के कारण, और कहीं ना कहीं इन्हीं सारी रियल वर्ल्ड मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के कारण। आप देख सकते हैं सबसे पहले तो यहाँ पर नाइजीरिया के अंदर 3 महीने का कैंपेन अनाउंस किया गया था टीम की तरफ से, जिसका भी एक अच्छा खासा एक्सपोजर मिला फ्लोकी को। उसी के साथ में वियतनाम के अंदर एक बड़ा कैंपेन हुआ था, टर्की के अंदर एक बड़ा कैंपेन रिसेंटली हुआ, यूएस में भी यहाँ पर काफी सारे बिलबोर्ड कैंपेन्स लगाए गए हैं। उसी के साथ में फ्लोकी ने यहाँ पर एएमएस सेशंस भी ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया है। एंड इसके अचीवमेंट्स की जहां तक मैं बात करूं तो पिछले 3 साल के अंदर लगातार यहाँ पर फाइनेंशियल और इकोसिस्टम माइलस्टोन्स इसने काफी तेजी से अचीव किए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं टोकन फाइव प्लेटफॉर्म के अंदर टीवीएल जो इसने लॉक कर लिया है अभी तक ऑलमोस्ट $110 मिलियन के आसपास है। ऑलमोस्ट 16 डिफरेंट ब्लॉकचेन्स को ये सपोर्ट करता है, और यहाँ पर 86 NFTs लॉक कर लिए जा चुके हैं। उसी के साथ में अब तक 2.6 ट्रिलियन फ्लोकिनो टोकन्स जिनकी वैल्यू है ऑलमोस्ट $436 मिलियन के आसपास, ये यहाँ पर सिक्योर हो चुके हैं स्टेकिंग प्रोग्राम के अंदर जो कि फ्लोकिनो ने रिसेंटली ऑर्गेनाइज किया था। DWF लैब्स ने सिंपली यहाँ पर स्टेट कर दिया कि ऑलमोस्ट $12 बिलियन के फ्लोकिनो टोकन्स को यहाँ पर ये परचेस करेंगे। तो ये कुछ फाइनेंशियल माइलस्टोन्स भी इसने अचीव किए। ओवरऑल जहां तक बात की जाए तो अपने इकोसिस्टम पर सबसे ज्यादा ध्यान देता नजर आ रहा है फ्लोकिनो कॉइन, बर्निंग पर और साथ ही में कम्युनिटी इंगेज पर सबसे ज्यादा ध्यान दे रहा है। इसलिए आज की डेट में मेरे हिसाब से फ्लोकिनो की जो टीम है वो सबसे ज्यादा एक्टिव है कंपेयर टू बाकी सारे मीम कॉइन्स। अगर हम रीसेंट हैमस्टर कॉम्बैक की भी बात करें तो उसकी टीम अभी के टाइम पे इवॉल्व होने की कोशिश कर रही है। हालांकि कम्युनिटी उसकी काफी ज्यादा बन चुकी है, लेकिन फिर भी अगर टीम की जहां तक मैं बात करूं तो उस तरह से एंगेजमेंट क्रिएट नहीं कर पा रही है टीम। लेकिन फ्लोकिनो के केस में हमें इकोसिस्टम के अंदर पार्टनरशिप्स के अंदर हर एक एस्पेक्ट में कहीं ना कहीं कोई ना कोई अपडेट आती दिखाई देती ही रहती है, जिसके कारण फ्लोकिनो का प्राइस पंप होता है, साथ ही में फ्लोकिनो के बारे में बातें चलती है और इसी चीज का तो फायदा उठाया जाता है। वहीं पर प्राइस प्रेडिक्शन की जहां तक मैं बात करूं तो एक्सपेक्टेशन यही है कि फ्लोकिनो कॉइन इस बुल रन में काफी तेजी से पंप होता दिखाई दे सकता है। मिनिमम जो मैंने एक्सपेक्टेशन लगा के रखी है वो लगभग 0.5 रुपीज के आसपास लगाई है, लेकिन यहां पर 1 रुपए जाने की पॉसिबिलिटी फ्लोकिनो के पास जरूर जरूर है इस बुल रन के अंदर। टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन बुल रन की जो सिचुएशन होती है वो हम सभी जानते हैं, इसलिए इस तरह के एक्सपेक्टेशन लगाना जाहिर सी बात है पॉसिबल है फ्लोकिनो कॉइन के लिए। तो दोस्तों यही थी हमारी आज की अपडेट फ्लोकिनो कॉइन से रिलेटेड। होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। काफी सारे लोग देख रहे हैं वीडियो पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, हर चीज कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। और साथ ही में आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको इसी तरह की अपडेट्स मिलती रहेगी कुछ फ्री प्रीमियम ट्रेड्स के साथ। तो ग्रुप का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप जाके ज्वाइन जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे क्रिप्टो की नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए एंजॉय द मार्केट।